नरेंद्र मोदी ने भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के मतदान न करने पर उन्हें महापाप करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने मतदान न करके अंदर की लड़ाई को उजागर कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के चौथे चरण के मतदान के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम में रैली को संबोधित किया तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। पीएम ने कहा कि देश गाली भक्ति से चलेगा या राष्ट्रभक्ति से चलेगा। साथ ही साथ मोदी ने रतलाम के शहीद लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि नामदार लोग देश के युद्धपोत का पिकनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है। उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से? आपने देखा होगा, नामदार भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। भाइयों और बहनों, संस्कारों में क्या फर्क होता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दिन पहले यहां के सपूत लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह जी ने आग के दौरान अपने युद्धपोत को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान है दिया है। मैं उन्हें और उनके परिवार को नमन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं, ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो। वहीं पीएम मोदी ने दिग्विजय द्वारा वोट नहीं डालने को लेकर जमकर तंज कसा और कहा कि जब देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वोट देने के लिए कतार में खड़े थे तो दिग्गी राजा को वोट की चिंता नहीं थी, हार के डर से भोपाल में ही डटे थे। पीएम ने कहा कि युवा साथी जो देश के विकास के लिए वोटिंग कर रहा है, उसे आप यही सिखा रहे हैं कि मतदान करना जरूरी नहीं है। दिग्गी राजा, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। साथियों, इनका अहंकार कल भोपाल में भी दिखा है। जब देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, अपने प्रतिनिधि चुन रहा है, मैं खुद अहमदाबाद गया था वोट डालने के लिए, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे, और दिग्गी राजा उनको न लोकतंत्र की चिंता थी, न नागरिकों के कर्तव्य की चिंता थी, न मतदाता की जिम्मेवारी की चिंता थी। उनको तो कैसे भी करके
अरे दौड़ो, मत डालो, मत वोट डालो, वोट डालो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये नर्मदा परिक्रमा भी मुझे बचा नहीं पाई, अब भोपाल वालों बचा लो वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी, रो रहे थे कर। और इसलिए वोट डालने की जरूरत भी नहीं मानी। लोकतंत्र में पसंद हो नापसंद हो सकती है, आपकी यहां के मुख्यमंत्री से खींचातान हो सकती है। देखिए राजा, संभव है कि आपको वहां का उम्मीदवार पसंद न हो, वो आपका घर का झगड़ा है। अरे अंदर जाना था, उंगली दबाए बिना वापस आना था, लेकिन इतना तो कर देना था। आपका उनसे झगड़ा है, आपकी अंदरूनी लड़ाई है, इस प्रकार से खुली कर दी आपने, आप वोट का बहिष्कार कर दिया उनका, ऐसा क्या झगड़ा है आपका? अरे देखिए राजा, इतना क्यों डर गए? और आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो, फिर आपको अपने ही क्षेत्र के लोगों से डर क्यों लगा? ये कांग्रेस के महामिलावटी लोगों, देश का फर्स्ट टाइम वोटर हिंदुस्तान के सब नेताओं को बड़ी बारीकी से देख रहा है, उसके मोबाइल फोन पर सारी दुनिया की खबरों को वो तलाशता है, तलाशता है। वो युवा साथी जो देश के विकास के लिए वोट डालने निकल पड़ रहा है, जो 21वीं सदी में भारत की भूमिका तय करने के लिए वोट डालने निकल रहा है, उसे आप यही सिखा रहे हैं कि मतदान करना जरूरी नहीं है? अरे आपने बहुत बड़ा पाप किया है दिग्गी राजा। बहरहाल अब देखना होगा कि पीएम मोदी के सभा का असर मालवा निमाड़ की सीटों पर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, रतलाम।